सीइंग मिस्टर क्रो, कौवे को देखते ही द न्यू किंग रोज अप इन फ्राइट, फ्राइट का मतलब डर से, ओके। कौवे को देखते ही राजा खड़ा हो गया डर से। आई वॉन्ट बोस्ट एनी मोर, बोस्ट का मतलब होगा बच्चों डींगे मारना या बढ़ा चढ़ा के बोलना, ओके। अब मैं बिल्कुल भी डींगे नहीं मारूंगा या बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलूंगा मिस्टर क्रो, ओके। मिस्टर क्रो ऑनेस्ट आई वॉन्ट, सेड ही मिस्टर क्रो, मैं अब ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, उसने कहा। वॉट डिड यू बोस्ट ऑफ, आस्क मिस्टर क्रो, कौवे ने पूछा कि तुमने क्या डींगे हाँकी या क्या बढ़ा चढ़ा कर बोला। वेल आई ओनली सेड दैट नो वन हैड विस्कर्स एज लॉन्ग एज माइन और पॉज एज बिग और टीथ एज शार्प। पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब विनम्रता से, सेड द न्यू किंग, राजा ने कहा, उसने कहा ठीक है मैंने केवल यही कहा कि किसी के पास मेरी जितने बड़ी मूछें नहीं हैं, ओके, और मेरे जितने बड़े पंजे नहीं हैं और किसी के दांत भी मेरे जैसे नुकीले नहीं हैं, राजा ने विनम्रता से कहा। मिस्टर क्रो कॉट हिम बाई हिज ईयर एंड शूक हिम, कौवे ने उसके कान को पकड़ा, एंड शूक हिम, शूक का मतलब होगा बच्चों हिलाना और हिलाया। डोंट यू एवर बोस्ट एनी मोर, सेड ही, अब तुम ऐसा कभी मत करना, ओके, उसने कहा। वन डे, एक दिन, मिस्टर क्रो सैट ऑन ए स्मॉल बुश, ओके, एक दिन कौवा एक छोटी झाड़ी पर बैठा हुआ था। ही वॉज वॉचिंग अ स्मॉल लिजार्ड, ओके, लिजार्ड का मतलब होगा छिपकली, वह एक छोटी छिपकली को देख रहा था। सडनली, अचानक, सम डॉग्स आर रनिंग, सम डॉग्स केम रनिंग, कुछ कुत्ते दौड़ते हुए आए। दे सीज्ड, सीज्ड का मतलब होना जब्त करना या पकड़ना मिस्टर क्रो, उन्होंने कौवे को पकड़ लिया। एंड बिगेन टू ड्रैग, और उसे घसीटना शुरू किया। एंड टीज हिम, टीज का मतलब होगा बच्चों चिढ़ाना या तंग करना, ओके, ड्रैग का मतलब घसीटना, और उन्होंने उसे घसीटना शुरू किया और तंग करना शुरू किया। द न्यू किंग वॉज वॉचिंग दिस, वो नया राजा ये सब देख रहा था। ही फेल्ट वेरी सॉरी फॉर मिस्टर क्रो, उसे कौवे के लिए बहुत दुख हुआ। ही थॉट, उसने सोचा, पुअर ओल्ड मिस्टर क्रो, बेचारा कौवा, आई एम गोइंग टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ, ओके। द न्यू किंग रैन वेरी फास्ट, रेजिंग क्लाउड्स ऑफ डस्ट, रेजिंग का मतलब, रेजिंग क्लाउड्स का मतलब बादल को उठाना, ओके, डस्ट का मतलब धूल, रेजिंग का मतलब उठाना, क्लाउड्स का मतलब बादल, ओके। वह नया राजा बड़ी तेजी के साथ धूल के बादल को उठाते हुए दौड़ा। सीइंग द न्यू किंग, नए राजा को देखते ही द डॉग्स लेफ्ट मिस्टर क्रो, कुत्तों ने कौवे को छोड़ दिया। हु फ्लू अप, जो उड़ गया, एंड सेट ऑन ए ट्री, और एक पेड़ पर बैठा। द डॉग्स रैन आफ्टर द न्यू किंग, कुत्ते नए राजा के पीछे भागे। बट द न्यू किंग रैन वेरी फास्ट एंड क्लाइम अप ए माउंट, क्लाइम अप का मतलब होगा बच्चों चढ़ना, ओके। लेकिन नया राजा बहुत तेजी से भागा, एंड क्लाइम अप ए माउंट, और एक टीले पर चढ़ गया। द डॉग्स रैन आफ्टर हिम, कुत्ते उसके पीछे भागे। बट कुड नॉट कैच हिम, बट उसे नहीं पकड़ सके, ओके। आप फिगर में देख सकते हो कुत्ते उसके पीछे भाग रहे हैं, ओके। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, मिस्टर क्रो मेट द न्यू किंग, कौवा नए राजा से मिला। ही थैंक्ड हिम एंड सेड, उसने उसे धन्यवाद दिया और कहा, यू आर नॉट बोस्टफुल, तुम डींगे मारने वाले नहीं हो, ओके, यू आर ए ब्रेव एंड ट्रू फ्रेंड, तुम एक बहादुर और सच्चे मित्र हो। ब्रेव का मतलब बहादुर एंड ट्रू का मतलब सच्चे, ओके। यू डिजर्व टू बी द रियल किंग, डिजर्व का मतलब होगा बच्चों योग्य होना, ओके, या तुम नए राजा बनने के योग्य हो। ऑफ अस आल, तुम हमारे नए राजा बनने के योग्य हो। डिजर्व का मतलब होगा योग्यता, ओके, या योग्य होना। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह,
When all the rabbits got together, जब सारे खरगोश एक साथ आए, Mr. Crow, कौवे ने crowned the big rabbit, crowned का मतलब होगा बच्चों ताजपोशी करना, ओके, या ताज पहनाना। Mr. Crow, कौवे ने बड़े rabbit को ताज पहनाया, the king of the colony with his own hands, ओके, तो मिस्टर कौवे, कौवे ने बड़े खरगोश को अपने हाथों से ताज पहनाया, ओके। नाउ द न्यू किंग बिकेम अ रियल किंग, अब वो नया राजा एक वास्तविक राजा बन गया था, ओके। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे कौवा जो कि कॉलोनी का राजा था, वो यहाँ पे नए राजा को मुकुट ये ताज पहना रहा है, ओके। सो दिस इज इट फॉर टुडे, वी हैव डन द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, टुमारो वी विल डू द वर्ल्ड मीनिंग एंड द अदर एक्सरसाइज, ओके। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट योर सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स ऑन योर स्क्रीन, एंड फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्कूल, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर स्कूल यूट्यूब चैनल सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल ऑन यूट्यूब। थैंक यू।